हाय गाइस, दिस इज़ मैंक हियर एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट दी स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर DLLB 22। तो आप में से जितने भी बच्चे 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि हाउ डिड आई प्रिपेयर एंड हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस स्पेसिफिक एग्ज़ाम एंड स्पेशली दिस इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट। ठीक है ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना एंड दिस इज़ बेसिकली दी फर्स्ट वीडियो ऑफ द दिसंबर। जैसा कि हमने शेड्यूल रिलीज़ किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरे दिसंबर मंथ का शेड्यूल बताया हुआ है कि हम इस चैनल पर दिसंबर मंथ में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते। आज इस लेक्चर का कंप्लीट बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना पेन एंड पेपर लेकर के बैठना है एंड जो भी चीज़ मैं बताऊँ यू हैव टू नोट देम डाउन। ठीक है ना, तो सारी की सारी चीज़ें आप नोट करते रहना, बिकॉज दे आर गोइंग टू रियली हेल्प यू अलॉट। अगर आप उनको ध्यान से सुनते हैं देन बहुत फ़ायदा आपका होगा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी फॉर अ फ्यूचर अपडेट। तो अब देखते हैं सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर। एंड जब भी हम लोग बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो आती है सोर्सेस, कि भैया आप ये तो बता देते हो कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, हम पढ़े कहाँ से। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर योर सोर्सेज फॉर दिस एग्ज़ाम। अब जो भी मैं सोर्सेज बताऊँगा, ये ऐसा नहीं है कि आपको यही करने हैं, अगर आप कहीं और से भी करना चाहें देन यू कैन प्रिपेयर, बट दीज आर माई सोर्सेज, जहाँ से मैंने तैयारी की थी अपनी। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट सोर्स आता है वो आता है आपका एम लक्ष्मीकांत। हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ठीक है ना, एम लक्ष्मीकांत। इसका आप लेटेस्ट एडिशन ले लेना, आई थिंक 6th आ रहा है इसका लेटेस्ट। तो ये बुक एक UPSC बुक है, वैसे तो सिविल सर्विसेज के लिए यूज़ करी जाती है, बट दिस बुक इज़ ऑल्सो हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर DLLB एग्ज़ाम। क्योंकि यार आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा चुका है DU, NTA ने क्वेश्चन का लेवल सही में बढ़ा दिया। आप 21 वाला पेपर देखना जो लेटेस्ट हुआ था, आप पैटर्न देखना भाई, UPSC से बहुत ज़्यादा मैच करेगा पैटर्न। ठीक है ना, तो दिस बुक, बट अगेन कंप्लीट बुक नहीं पढ़नी है, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव वाइल रीडिंग दिस बुक, बिकॉज काफ़ी सारा स्टफ ऐसा है इसके अंदर जो कि इस पर्टिकुलर DLLB के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू हैव टू लीव देम आउट। ठीक है ना, तो आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, इस बुक को पढ़ना है। अब अगेन आई वुड मेक सम वीडियोज ऑन द वेरी पर्टिकुलर टॉपिक लाइक प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़। ठीक है ना, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ लोग आप में से सोचते हैं कि हम अरिहंत या फिर लेट से एक बुक आती है ल्यूसेंट वाली, कि हम लोग वहाँ से तैयारी कर लेंगे, देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हियर इन दिस एग्ज़ाम। ठीक है ना, तो वो बुक मत तैयारी करना, बुक सिर्फ एम लक्ष्मीकांत फॉलो करनी है अगर आपको सही में ठीक से पढ़ाई करनी है एंड क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करना है। देन सेकेंड जो हमारा सोर्स आता है वो आता है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब हो गया एक्ट एज मेड बाय द पार्लियामेंट इन इट्स रॉ फॉर्म। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट। अब आपको बेयर एक्ट परचेज नहीं करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बहुत सारी ऐप अवेलेबल हैं ऑन दी प्ले स्टोर, कोई भी एक ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर रखना, तब भी आपको ज़रूरत पड़े यू कैन रेफर इट। उसके बाद जो थर्ड सोर्स आता है वो आता है MCQs। नाउ विच MCQs, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई शुड से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने होंगे एंड दिस इज़ मस्ट, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कोई भी बुक परचेज कर लीजिए जिसके अंदर DLLB के पास 10 ईयर्स के पेपर हैं एंड सोल्व दैम। ठीक है ना, तो कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, कोई भी सेक्शन हो, यू हैव टू रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा जो फोर्थ आपका सोर्स आता है वो आता है न्यूज़पेपर। नाउ अब आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि भैया न्यूज़पेपर आपने कैसे बता दिया, न्यूज़पेपर में पढ़ने लायक क्या होता है। तो भाई न्यूज़पेपर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आता है सेडिशन, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेडिशन के बारे में कोई कमेंट किया। ठीक है, ये IPC से बता रहा हूँ मैं। तो अब आपको क्या करना है, IPC के अंदर जाना है, तुरंत देखना है कि सेडिशन कौन से सेक्शन के अंदर है एंड क्या उसके प्रोविजंस हैं। या फिर अब आप लोग देखोगे कि जो 3 फार्म लॉज हैं उनको रिपील किया जा रहा है। ठीक है, हर कोई जानता है कि रिपील हो रहे हैं, बट व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रिपील अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, डू यू नो दैट? नो। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे उसको, न्यूज़पेपर से जो भी करंट के अंदर हो रहा है आपको उसके बेसिक समझने होंगे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द बुक। तो दिस इज़ हाउ यू विल टेक द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर, बिकॉज भाई करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो
तो यू गाइस कैन नॉट अफोर्ड टू लीव देम, ठीक है ना। तो इस तरीके से दीज आर योर सोर्सेज। बट अगेन आई वुड से अगर आप कहीं और से भी तैयारी करना चाहें देन कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली बोलूँगा कि डोंट गो बियॉन्ड देम। एंड ये जो भी सोर्सेज मैंने बताए हैं दे ऑल आर वेरी बेसिक एंड एग्जैक्ट रिसोर्स। अगर आपको सही में अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर आपको बढ़िया रैंक CLC में जाना है, देन प्लीज़ रेफर टू दी लक्ष्मीकांत, डू नॉट रेफर टू एनी अदर बुक। एंड अब आपने सोर्सेज जान लिए, देन थोड़ा सा समझते हैं कि पास्ट ईयर में इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है इससे कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली ड्यू पूछता है, ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तभी तो हम लोग तैयारी कर पाएंगे, तभी तो मन कर लेगा करेगा हमारा पढ़ने के लिए। तो चलिए उसको समझते हैं। नाउ दिस इज़ द चार्ट बिफोर यू। अब आप लोग देखो कि इतने क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछे गए हैं डायरेक्टली, एंड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड इन द बुक एम लक्ष्मीकांत। तो भाई ये है इसकी इंपॉर्टेंस। एंड यू नो दैट वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। अब आप लोग देख लो 4 मार्क्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। अगर आप 4 से करते हो देन 80, अगर आप 4 से करते हो देन 104, एंड अगर आप 4 से करते हो देन, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द इंडियन पॉलिटी, यू कांट अफोर्ड टू लीव इट। अगर आपने ये वाला पार्ट छोड़ दिया देन भाई भूल जाओ, DLL भी भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। तो इस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ये थोड़ा टफ हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, या फिर दोज हु हैव नो आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो उसी वजह से बोल रहा हूँ कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो मेरे हिसाब से जुलाई तक हो सकता है इफ़ कोविड डजंट अराइज अगेन। तो इसीलिए सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। इस साल आप कट ऑफ देख सकते हैं 234 पे गया है कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज 234। कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ। तो अब आपने वेटेज देख लिया, आपको पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट। अब बात कर लेते हैं सिलेबस, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर कन्फ्यूज अबाउट इट। देखो वैसे तो लक्ष्मीकांत में जो भी दिया हुआ है सभी आपको पढ़ना है, बट I will tell you some of them in the brief, ठीक है ना। कुछ important मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले you have to do the preamble, ठीक है ना, preamble। अब इसके अंदर भी हम इनको divide कर सकते हैं अगर चाहें, preamble के अंदर भी क्या पढ़ना है I can also tell you that, but अगर इस video के अंदर बताऊँगा then बहुत लंबा video हो जाएगा and unnecessary भी हो जाएगा। तो हम एक एक chapter को divide कर देते, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, एंड व्हेन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, लाइक मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ाऊँ, तो जैसे मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ाऊँगा देन आई विल ऑल्सो ब्रेक डाउन द प्रीएम्बल इनटू डिफरेंट पार्ट्स इनटू डिफरेंट पोर्शन, देन आई विल टेल यू कि आपको प्रीएम्बल में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो अभी के लिए ब्रीफली समझ लेते हैं कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो प्रीएम्बल नंबर 2, यू हैव टू रीड द फंडामेंटल राइट। थर्ड चैप्टर जो कि आपको पढ़ना है वो पढ़ना है DPSP, एंड आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना। उसके बाद यू हैव टू रीड द पार्लियामेंट, इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर भी आ जाती है, यू हैव टू रीड द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, जो स्टेट एंड सेंटर है उनमें स्ट्रक्चर सेम है, लाइक पार्लियामेंट सेंटर के लिए और स्टेट के लिए मोस्टली सेम होती है। लाइक अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समझ लिया देन हाई कोर्ट समझना ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रेसिडेंट समझ लिया देन गवर्नर ईजी हो जाएगा, एंड अगर आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया समझ लिया देन दी स्टेट वाला जो पार्ट होता है, जो स्टेट वाला सब पार्ट होता है, दैट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगेन अगर आपने प्राइम मिनिस्टर समझ लिया देन चीफ मिनिस्टर सन हो जाएगा, तो आप पहले सेंटर वाला पढ़िएगा एंड देन स्टेट वाले पे आना, ठीक है ना। लाइक अगर मैंने पार्लियामेंट बोला तो आपको समझ लेना है कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़नी है, बट मोर इम्पोर्टेंट हैज़ टू बी गिवन टू द पार्लियामेंट। उसके अलावा जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस एग्ज़ाम। 2019 की याद है बात मेरे को, आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं आपको एग्जीक्यूटिव बताऊं देन वैसे तो प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आते हैं, बट आई हैव मेंशन हिम सेपरेटली बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं देन यू हैव टू रीड द वाइस प्रेसिडेंट, यू हैव टू रीड द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू रीड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यू हैव टू रीड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना।
सो दीज आर द एग्जीक्यूटिव विच यू हैव टू रीड एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू रीड देयर सब पार्ट्स इन द स्टेट लाइक वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं होता बट प्राइम मिनिस्टर का केस में चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड होपफुली द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. उसके बाद यू हैव टू रीड जुडिशरी एंड जुडिशरी में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो सुप्रीम कोर्ट यू हैव टू प्रिपेयर द हाई कोर्ट एंड अगेन आई वुड टेल कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ लिया देन हाई कोर्ट आपके लिए बहुत हल्का पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना, बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए हाई कोर्ट. तो गिव मोर फोकस ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन यू विल सी दैट द हाई कोर्ट एंड द अदर जुडिशरी विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू टू. इसके बाद देर आर सम अदर कॉन्सेप्ट इन द जुडिशरी लाइक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL. यू हैव टू डू कॉन्सेप्ट लाइक जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रीस्ट्रेंट. तो सी दीज आर ऑल द पार्ट विच यू हैव टू प्रिपेयर इन द जुडिशरी एंड जुडिशरी के अंदर ही आपको लोअर कोर्ट्स की भी स्ट्रक्चर देख लेनी है एक बारी एंड ठीक है ना. एंड एक इसमें आती है लीगल सर्विस एड अथॉरिटी, तो वो वाला एक्ट जो आता है लीगल सर्विस, सब कुछ आपको लक्ष्मीकांत के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू प्रिपेयर देम एंड इसके अंदर एग्जैक्टली क्या पढ़ना है आई विल मेक सेपरेट वीडियोज़ लाइक आई विल टीच यू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, PIL, जुडिशियल रिव्यू. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर इन दिस चैनल ऑन अ वेरी स्पेसिफिक डेट्स एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट मैंने शेड्यूल आपको दिसंबर मंथ के लिए दे दिया है. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख लो कि दिसंबर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं ऑन दिस चैनल. इसके अलावा जो आपको तैयारी करनी है एंड दिस मैन इज़ इम्पोर्टेंट CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. उसके अलावा यू हैव टू रीड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना. उसके बाद एंड फाइनेंस कमीशन भी इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू रीड इट द आर्टिकल्स डीलिंग विद देम. उसके बाद देर आर ट्राइबूनल्स एंड जब मैं ट्राइबूनल्स की बात करता हूँ देन टू ट्राइबूनल्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज़ द कैट दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबूनल एंड अनोदर वन इज़ द NGT दैट इज़ द नेशनल ग्रीन ट्राइबूनल. सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू ट्राइबूनल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. इसके अलावा पढ़ने के लिए तो भाई बहुत कुछ है, लाइक यू कैन रीड द सिटीजनशिप, यू कैन रीड द यूनियन टेरिटरीज एंड a lot of stuff is there to study, but I have told you which is most important for you. And वैसे citizenship भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि question आ सकते हैं, we don't know कहाँ से DU पूछ ले. तो कुछ भी मत छोड़ना, citizenship हो गया, UT हो गया, please prepare them. But again I would say you don't have to go into very much depth of it. आपको ऊपर ऊपर से broad पढ़ना है, ठीक है ना. आई विल टेल यू क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आई विल टीच इट. तो आपको डरने की जरूरत. इसके बाद जो नेक्स्ट आपको तैयारी करनी है वो करनी है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट हुए यू हैव टू लर्न देम. इसमें तो बेसिकली रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है ना. तो आपको रोटेट डाउन करना ही पड़ेगा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट को, बिकॉज वो बूझ लेगा कि एक आपको पॉइंट दे देगा कि ये किस अमेंडमेंट के अंदर हुआ है. तो यू हैव टू रीड इट. बट अगेन मेरे पे पूरी लिस्ट है जो कि मैं कभी बाद में मार्च के करीब आपको बताऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज अभी से आप भूल. उसके बाद शेड्यूल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस साल आया शेड्यूल नंबर 7. इस बार पूछ लिया था कि सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप बताइए कौन से शेड्यूल के अंदर है, तो हर बार एक क्वेश्चन शेड्यूल से आ जाता है. उसके बाद यू हैव टू रीड द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है ना, एंड मार्क माई वर्ल्ड इम्पोर्टेंट. ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं, बट इट इज़ नॉट फ्रेंकली पॉसिबल टू रिमेंबर ईच वन ऑफ इट, सो ओनली इम्पोर्टेंट वन. सो द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स अगेन मेरे पे लिस्ट है जो कि मैंने प्रिपेयर किया था जब बनाई थी, तो आई वुड शेयर इट विद यू, डोंट वरी अबाउट इट. उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आपको पढ़नी है वो पढ़नी है अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डेट इज़ हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड, ठीक है ना.
कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस तरीके से करते हैं. तो दिस इज़ ऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर विच यू हैव टू रीड. दिस इज़ योर सिलेबस विच यू हैव टू कम्प्लीट. डरिए मत, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट रियली डिफ़िकल्ट. अगर आपको एक बार इसमें मज़ा आने लगा एंड अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, देन आपको बहुत मज़ा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में. ठीक है, तो डरना नहीं है. आई विल हेयर विद यू. जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी, शेयर इट विद मी, शेयर इट ऑन दी कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली आई वुड मेक द वीडियोज़ ऑन दैट. तो जो भी आपको दिक्कत लगती है, फटाफट कमेंट में जा करके बता देना, एंड आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन दैट. तो आपको डरना नहीं है. सबसे पहले आई एम हियर विद यू, एंड मैं यहीं इसीलिए आया हूँ इस चैनल पर ताकि आपकी हेल्प हो सके. ठीक है ना, तो डरना नहीं है, हो जाएगा. थोड़ा सा फोकस एंड मेहनत करनी पड़ेगी, बट हो जाता है एग्ज़ाम. मैंने किया है, आप भी करेंगे. कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती. एंड जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था एंड वो मेरे से रह गया, तो आई विल राइट इट हियर, डेट इज़ द गवर्नर. डू नॉट एस्केप इट. इसको मत छोड़ देना, गवर्नर को. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, एज इक्वल इम्पोर्टेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डू नॉट लीव इट एट ऑल. ठीक है ना. And now I would share you some of the tips, some of the advice which you have to remember while preparing for this part. जो मैंने अपने experience से सीखा है, अब उसको share कर लेते हैं कि what you have to exactly. मैंने जो तैयारी की थी, जो मैंने सीखा, I would share each one of these things with you. तो हो सकता है आपका कुछ time save हो जाए या फिर आपकी labor थोड़ी कम हो जाए, if you will keep remember these things in mind. So what you have to do is, you have to first finish the bulky part of the syllabus. ठीक है, सबसे पहले आपको जो बल्की चैप्टर्स होते हैं उनको ख़त्म करना है, जो हैवी चैप्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा मेहनत लगेगी. लाइक पार्लियामेंट बहुत बड़ा है, तो आपको पहले पार्लियामेंट कर लेना है. ठीक है ना. एंड एग्जीक्यूटिव में बोलूँ तो मैं, प्रेसिडेंट भी थोड़ा सा बल्की है, प्रेसिडेंट कर लेना है, गवर्नर को कर लेना है, एंड उसके अलावा जुडिशरी को निपटा लेना है. तो दीज आर दी बल्की पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो यू हैव टू फर्स्ट फिनिश देम. एंड फिर आसान वाले क्या होते हैं, एंड फंडामेंटल राइट इज़ ऑल्सो बल्कि. अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं, दैन फंडामेंटल राइट इज़ ऑल्सो अ बल्कि पार्ट. फिर आसान क्या होता है, सिटीजनशिप बहुत छोटा सा पार्ट है, अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी छोटा सा पार्ट. एंड ठीक है ना, तो दीज आर सम थिंग्स विच यू हैव टू कीप रिमेंबर. एंड आई मीन सॉरी फॉर दैट, बट एक चीज़ और मेरे रह गई, एंड नाउ अगेन मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, एंड वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप. इसको मत छोड़ के जाना, बिकॉज इसी के अंदर आपको कमेटीज़ मिलेंगी, दो इम्पोर्टेंट कमेटीज़. ठीक है ना, आप समझ गए कौन सी कमेटी की बात कर रहा हूँ मैं. तो उन दोनों कमेटी के रिकमेंडेशंस तो नहीं पढ़नी है फॉर दिस एग्ज़ाम, बट पता होना चाहिए कि किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी. तो डू नॉट लीव दैट पार्ट ऑल्सो. ठीक है जी, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि फिनिश योर सिलेबस द फिनिश द बल्कि. ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि फिनिश द बल्कि पोर्शन ऑफ योर सिलेबस फर्स्ट. The second point is that don't make notes. अब आप लोग सोचेंगे भैया ये क्या बोल दिया आपने. हाँ यार, notes मत बनाना. Notes का मतलब ऐसे formally notes मत बनाना कि कॉपी पे एक एक लाइन लिखने बैठ के. No, don't do that. It's not necessary at all. भाई आपके पास बुक है, एक हाईलाइटर ले लो एंड कीप हाईलाइटिंग द थिंग्स विच यू फील इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम. ठीक है ना. एंड जो मैं बताऊंगा, जो मैं वीडियोस में पढ़ाऊंगा, उसके नोट्स बनाना. मैं बोलूंगा खुद से कि नोट्स बनाना, बट अपने आप से कुछ नोट्स बनाना. मैं आपके नोट्स बनवा दूंगा. ठीक है ना, तो खुद से मत बनाना, बिकॉज आप पूरी बुक ही कॉपी कर लेंगे एंड आपका टाइम ही वेस्ट होगा. तो डोंट प्रिपेयर नोट्स, जस्ट रीड रीड एंड कीप अंडरलाइनिंग द थिंग्स विच यू फील इम्पोर्टेंट इन दी बुक. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है आपका फॉलो करंट अफेयर, और आई शुड से द रीड द न्यूज़पेपर डेली. ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड दिस इज़ मस्ट. ये आपका हेल्प करेगा बाकी सब्जेक्ट के लिए भी एंड इंडियन पॉलिटी के लिए भी. एंड जब मैं न्यूज़पेपर की बात करता हूँ फॉर दिस एग्ज़ाम, अगेन आई वुड से पूरा नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ न्यूज़ पढ़नी है आपको. ठीक है, न्यूज़ में देख लेना, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, फिर समझा रहा हूँ वीडियो के एंड में, कि एक इंसिडेंट्स होता है लाइक फार्म लॉज रिपील हो रहे हैं,
अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर वो प्रोविजंस हैं कि फार्म लॉज को कैसे रिपील करना है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिपीलिंग एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज़ द प्रेसिडेंट परमिशन इज़ रिक्वायर्ड, एंड अगर हम उनको करेंगे देन वो कौन सा बिल होगा, लाइक ऐसे सब कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा. देर इज़ नथिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, आई मस्ट से देर इज़ नथिंग विच कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर इन एनी एग्जाम, वेदर इट्स डी एल एल बी, वेदर इज़ द सिविल सर्विसेज और एनी एग्जाम, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते भाई, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज़ का. उसके बाद फोर्थ पॉइंट मेरा यही होगा कि डू नॉट मग अप द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्रॉम नंबर 1 to फ्रॉम नंबर 100 तक आर्टिकल्स याद करने बैठ गए कि 1 के अंदर ये 2 के अंदर ये 3 के अंदर ये. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, बच्चे नहीं हैं आप, ठीक है? डू नॉट डू दैट. जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो आई थिंक करीब 30 आर्टिकल्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट, ठीक है? 25 to 30 आर्टिकल्स आर देयर विच आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, सो I would keep sharing them with you, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे आर्टिकल्स को ही याद करने लगें, ऐसा मत करना. अगेन, अननेसेसरी टाइम को वेस्ट करने से बचिए. आप वीडियोस क्यों देख रहे हैं? ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है? आप खुद भी कर सकते थे जो गलतियां मैंने की, जो टाइम वेस्ट मैंने किया. मैं नहीं चाहता आप करें, मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले लें, ठीक है? अगर आप अपने 3 महीने दे रहे हैं देन यू शुड बी इन दी टॉप 100 रैंक. मेरा ये एम है कि आप 300 तो एटलीस्ट स्कोर कर दें, या फिर किसी CLC तो आपको मिलना ही चाहिए, या फिर आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलनी ही चाहिए, ठीक है? दिस इज़ पर्टिकुलरली माई एम. तो आप उसी के लिए यहाँ पर आए हैं चैनल पे, वीडियोस पे, इसी के लिए आपको वीडियोस अच्छी भी लगती हैं, बिकॉज आई कीप शेयरिंग दोज थिंग्स विद यू. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीड सिलेक्टिवली. एंड जब मैं बोलता हूँ सिलेक्टिवली, तो मेरा मतलब होता है कि पूरी लक्ष्मीकांत बुक को मत पढ़ने बैठ जाना. बिकॉज भाई, पढ़ लो, अच्छी बुक है, आप पढ़ना चाहें, इंटरेस्ट है, डेफिनेटली डू इट. बट अगर आप सिर्फ DLLB के लिए सोच रहे हैं कि पूरी बुक पढ़ेंगे, देन रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? सिलेक्टिव पढ़ना, बिकॉज वो सिविल सर्विसेज के लिए बुक है. मैं अगेन बोलूँगा UPSC लेवल की बुक है वो, एंड फॉर दिस एग्जाम दोज डिटेल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट. यू हैव टू रीड इट सिलेक्टिवली. एंड अगर आप सिलेक्टिवली पे आ जाए ना, अगर मैं आपको सही में बता दूं सिलेक्टिवली क्या होता है, तो आप, मैं 10 दिन में आपको पूरी बुक कवर करवा सकता हूँ लक्ष्मीकांत की, अगर मैं सिलेक्टिवली पढ़ाने पे आ जाऊँ. बट अगेन, उससे आपको एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, बट आप सीख नहीं पाएंगे. तो सीखना है अगर आपको, देन वीडियोज़ मैं भी बनाऊँगा, बिकॉज मुझे आपको सिखाना भी है, ठीक है ना? एंड जब एग्ज़ाम पॉइंट आएगा तब हम लोग बहुत सिलेक्टिव हो जाएंगे. बट अभी आप कोशिश करेंगे, आप थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए. आप फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, DPSP, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इमरजेंसी प्रोविजंस, इन सबको आराम से पढ़िए, ठीक है ना? इंटरेस्ट, कीप डेवलपिंग द इंटरेस्ट. एंड अगेन, हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, तो लेट मी जस्ट ऑल्सो मेंशन इट हियर. एंड दिस इज द इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है ना? हो जाता है यार, कई बार ध्यान नहीं रहता पॉइंट लिखने, तो जैसे मुझे याद आते हैं मैं लिख देता हूँ. एंड ऑल्सो आई विल टीच यू, तो आपको ऐसे तो डरने की बात है ही नहीं, बिकॉज आई विल टीच यू ऑल दिस. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सप्लीमेंट योर रीडिंग, ठीक है? जो भी आप लोग पढ़ते हैं, जैसे भी आप लोग पढ़ते हैं, सप्लीमेंटेड विद MCQs. अगर आप लोग MCQs नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते जाएंगे, देन किसी काम का नहीं है. तो MCQs ज़रूर करने हैं. प्रीवियस ईयर के MCQs UPSC तो नहीं, बट DLLB के ज़रूर करने हैं आपको, ठीक है? एंड मैं भी वीडियोस बनाऊंगा MCQs से रिलेटेड. आई विल ऑल्सो कीप शेयरिंग यू सम ऑफ द टेक्निक्स टू सोल्व द MCQs, तो कीप ट्यून विद द चैनल. इसके बाद आएगा गो स्लो. इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ ये मतलब है कि धीरे धीरे स्टार्ट करना. आप जब फर्स्ट दिन बुक उठाएंगे, हो सकता है आपको पढ़ते ही नींद आनी शुरू हो जाए, ठीक है? बिकॉज जो बच्चे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उनको नींद आना स्वाभाविक है. आएगी आपको नींद, नहीं पढ़ पाएंगे, बोरियत लगेगी, लगेगा कि बोरिंग सब्जेक्ट है, आई नो डैट. तो स्लो स्लो, धीरे धीरे. बहुत बड़े बड़े टारगेट मत बना लेना कि मेरे को तो एक दिन में पार्लियामेंट फिनिश करना है. नहीं कर पाओगे भाई. अगर सीरियसली पार्लियामेंट तैयारी करने पे आ गए ना, एक हफ्ता आपको लगेगा टू प्रिपेयर द पार्लियामेंट ओनली, क्योंकि बहुत बल्कि चैप्टर है. अगर आप लोग सही से तैयारी करेंगे तो गो स्लो,
छोटे छोटे एम बनाओ कि मेरे को एक छोटा सा पोर्शन ले लो कि ये फिनिश करना है। आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए, देन यू कैन गो एज़ फास्ट एज़ यू कैन, बट स्टार्ट ऑलवेज स्लो, हमेशा धीरे से शुरू करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो होता है द पावर ऑफ रिविज़न। ठीक है, जो भी आप लोग पढ़ें उसको रिवाइज ज़रूर करते चलें, वरना भूल जाएंगे। आपने एक महीने तक पढ़ा एंड आपने डेली न्यू चैप्टर्स पढ़े, आज आपने आज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पढ़ा, कल आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, एंड आप इस तरीके से पढ़ते चले गए एंड आपने रिवाइज़ नहीं किया, एंड जब आप एक महीने बाद उठाएंगे ना पार्लियामेंट, आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं आएगा। तो कीप रिवाइजिंग इट, जैसा भी आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाइए एंड कीप रिवाइजिंग इट। ठीक है, उसी के साथ चैनल पे तो बने ही रहना है अगर आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है, बट कीप रिवाइजिंग इट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, जो भी मैंने सीखा है वो मैंने सब आपको बता दिया, एंड इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता एंड कोई नहीं बता सकता कि इससे ज़्यादा आपको क्या तैयारी करनी है, बिकॉज दिस इज़ ऑल वट आई कैन गाइड यू रिगार्डिंग दिस। एंड अगर आप ऐसे चलते हैं जो मैंने बताया उस तरीके से फॉलो अप करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड मैं अगेन बोलूँगा भाई कि 21 के अंदर यूपी, सॉरी DLLB ने एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा दिया, जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो प्लीज़ थोड़ा ठीक से तैयारी कर लेना, मैं फिर बोलूँगा थोड़ा ठीक सी तैयारी करके चलना। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, आपको बीच में रहना है, मिडवे में काम करना है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो एंड आपको थोड़ी हेल्प हुई हो, देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जो भी आपके डाउट हैं कमेंट कीजिए, मेरे से पूछिए, मेरे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट हैं। आई एम हेयर ऑन द टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, आप वहाँ मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Gmail ID मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे आपके पास मौके हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा खुद से। आप पढ़िए, शेड्यूल मैंने दे रखा है आपको, दिसंबर मंथ का शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से शेड्यूल देखिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी प्लान्स बनाइए। अगर आपको पसंद आता है चैनल को देखिए, फॉलो अप कीजिए, रिलीजियसली फॉलो अप कीजिए, विश्वास रखना भाई। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑन दी नेक्स्ट शेड्यूल। ठीक है, उसी के साथ आप लोग चैनल को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंड स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।